नमस्कार, आप सबका स्वागत है यूपीएस न्यूज 24 में। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य खबरों पर। आपको बता दें, 6 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के तहसील पुव्या में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष अमरजीत सिंह, तहसील अध्यक्ष पवन कश्यप, तहसील अध्यक्ष जगजीत सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष खुटार राम शंकर मिश्र, तहसील अध्यक्ष सचिन मिश्र, किसान भाई नीरज पद्युन मिश्रा, सुशील दीक्षित आदि लोग ने कर्णापुर में चीनी मिल में पानी की समस्या, पेमेंट की समस्या एवं 8 जनवरी 2020 को ग्रामीण भारत बंद को लेकर चीनी मिल में किया जमकर धरना प्रदर्शन। उत्तर भारत के शाहजहांपुर के तहसील पुव्या की लगातार खबरों के लिए बने रही अवधेश वर्मा एवं राम बाबू के साथ। हर खबर सबसे पहले, कल हम एसडीएम साहब महोदय को देंगे जो किसानों की आम समस्या है, जैसे पवन कश्यप राजकीय किसान। किसान छोटा किसान है, बेमौत बेचारा मारा जाता है, इसमें सरकार की समस्या पानी के हैंडपंप नहीं है किसान को। आयोजित किया गया सुशासन केंद्र एवं राज्य कार्यक्रम योजना लाभार्थी सम्मान समारोह। आयोजित किया गया सुशासन केंद्र एवं राज्य कार्यक्रम योजना लाभार्थी सम्मान समारोह एवं विकलांग लोगों को भी साइकिल व कंबल देने के लिए बुलाया था। इस समारोह में समर से नागेश्वर देशराज व शरद अवस्थी विधायक बाराबंकी मौजूद रहे। विकलांग लोगों का कहना है कि यहां पर उन्हें साइकिल व कंबल देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो सुबह 6 बजे से यहां पर बैठे रहे, लेकिन उन्हें अभी तक कुछ नहीं मिला और यहां पर चाय पीने की भी व्यवस्था नहीं है। उन लोगों का कहना है कि उनका समय और किराया दोनों बर्बाद हुआ। कंप्यूटर शासकीय कमल राजा कन्या महाविद्यालय में मंगलवार को एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। के आर जी कॉलेज में महात्मा गांधी के प्रासंगिक और संगोष्ठी हुई संपन्न। बता दे, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर कंप्यूटर शासकीय कमल राजा कन्या महाविद्यालय में मंगलवार को एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संगोष्ठी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और ग्वालियर जोन के IG श्री राजा बाबू सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। पुलिस महानिदेशक राजा बाबू सिंह जी द्वारा दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संगोष्ठी की शुरुआत की गई। संगोष्ठी में 21वीं सदी का भारत और महात्मा गांधी की प्रासंगिकता और गीता की उपयोगिता विषय पर संगोष्ठी की गई थी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और ग्वालियर रेंज के IG राजा बाबू सिंह ने महात्मा गांधी के विचारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि गांधी जी आज भी न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में प्रशंसा योग्य है। इस अवसर पर उन्होंने कहा, हर युवा महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चले। खुटार सेंटर पर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष अमरजीत सिंह के साथ किसानों ने ग्रामीण भारत बंद संपर्क सेंटर किया बंद। महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल जिले के दिग्गज शहर में तुप्तकली गांव में पकड़े गए जानवर। दिग्गज शहर के तुप्तकली गांव में कत्ल किए जाने वाले 3 गांव को गांव वासियों ने पकड़ा। MH04DD4151 नंबर का टाटा FA वहां से गुजर रहा था। गांव में कुछ लोगों ने गाड़ी रुकाकर पूछताछ के दरमाने गाड़ी में के लोगों गाड़ी छोड़कर भाग गए। गांव की जांच करते समय गाड़ी के पिछले हिस्से में 3 गाय मिली। वहीं गांव वासियों ने वहां गाड़ी तथा जानवरों को दिग्गज पुलिस स्टेशन में जमा करा दिया। गाड़ी मालिक तथा ड्राइवर की अभी तक जांच चल रही है। जनपद में एंटी करप्शन टीम ने मारा छापा। 25,000 के रिश्वत लेते एक दरोगा को किया रंगे हाथ गिरफ्तार। पीड़ित से मदद करने के नाम पर 25,000 की ले रहे थे रिश्वत। पीड़ित की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत की रकम सहित किया गिरफ्तार। थाना नक्शा में तैनात है रिश्वतखोर दरोगा। पुलिस अध्यक्ष देव रंजन वर्मा के आदेश अनुसार आज से फिर एक बार पुनः गरुड़ वाहनी चेकिंग का आरंभ हुआ। दिनांक 6 जनवरी 2020 को दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 2 घंटा सभी थानों में भारी पुलिस बल के साथ गरुड़ वाहनी चेकिंग की जाएगी। सभी राजपात्रित अधिकारी अपने अपने क्षेत्र के गरुड़ वाहनी चेकिंग में शामिल होंगे। जनपद बलरामपुर हरैया थाना प्रभारी निरीक्षक राजित राम ने अपनी टीम के साथ किया गरुड़ वाहनी चेकिंग। गरुड़ वाहनी चेकिंग द्वारा संदिग्ध व्यक्ति तथा वाहन बल दौलिया भर सैया गजरा हवा SSB कैंप नाइक बलाटियन SSB पांडे पूर्वासद घरवा भर सैया थाना हरिया जनपद बलरामपुर में किया गया।
संपूर्ण समाधान दिवस में आला अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। शिकायतकर्ता को निस्तारण की सूचना लिखित रूप में आवश्यक दी जाए, जिलाधिकारी ने कहा। संपूर्ण समाधान दिवस एक तो 36 मामले आए, 5 का मौके पर निस्तारण हुआ। शासन की मंशा के अनुरूप हर समस्या का शीघ्र निस्तारण करना पहली प्राथमिकता है। इसको लेकर सभी अधिकारियों का कर्तव्य है कि फरियादी की फरियाद को मौके पर जाकर जांच उपचारण निस्तारण करना पहली प्राथमिकता है। यदि इसमें कोताही बरती को संबंधित कर्मचारियों को विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यह मंगलवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में मौजूद जिलाधिकारी योगेंद्र शुक्ला ने कही। वही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अध्यक्ष कैप्टन मिर्जा मंजर बेंक ने संबंधित थानों के प्रभारियों को निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस 22 विकास विभाग के 20 विद्युत विभाग के 10 पूर्ति 10 चकबंदी 2 सिंचाई विभाग 15 कृषि विभाग 7 बैंक 2 वन विभाग 2 स्वास्थ्य विभाग 2 राजस्व 34 अन्य व 6 कुल 136 मामले आए, जिसमें से मौके पर 5 का निस्तारण किया गया। अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के ग्रामस एवं मनरेगा मजदूर सभा का आह्वान। मोदी सरकार की कॉर्पोरेट परस मजदूर विरोधी नियोतियों के खिलाफ नारा गांव बंद भारत है। रमना में रैली निकाल कर पूरे टाउन हॉल तक एवं बत्तिया छावनी तक मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को ICU में पहुंचा दिया जाए, ताकि घटते विकास दर, बढ़ती बेरोजगारी और आसमान छूती महंगाई ने आर्थिक मंदी के इस पूरे दौरे में गाँव और गरीबों की परेशानियां और बढ़ा दी है। गरीबी पसरती जा रही है, देश के भुखमरी और कुपोषण बढ़ रहा है। आलू, प्याज, सब्जी, तेल और चावल, दाल, आटा की बढ़ती कीमतों ने गरीब मजदूरों के जीना दुर्भार कर दिया है। लेकिन अंबानी अडारी की गोद में बैठी मोदी सरकार कॉर्पोरेट पूंजीपतियों को छूट पर छूट दिए जा रही है और आसमानों के माथे पर बेकारी और महंगाई थोप रही है। कल बिहार बंद के जो है उसके बारे में क्या देश को संदेश देना चाहते हैं? कल जो है नरेंद्र मोदी सरकार के जन विरोधी, गरीब विरोधी नीतियों के विरुद्ध देश के 10 श्रमिक संगठनों द्वारा केंद्रीय ट्रेड यूनियन की ओर से भारत वर्ष में आम हड़ताल की घोषणा की गई है और यह घोषणा हम ICTU की ओर से, जितने भी हमारे ICTU से जुड़े हुए संगठन है, आंगनबाड़ी, रसोईया, ये बिहार राज्य राष्ट्रीय कर्मचारी महासंघ, गोप गुट, निर्माण मजदूर संघ वगैरह, इस तमाम लोग हजारों की संख्या में कल बेतिया में विभिन्न जगहों से जुलूस निकालेंगे। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर संघ कार्यालय से लेकर RDS पब्लिक स्कूल तक CAA के समर्थन में लोक जागरण मंच के तत्वाधान में जुलूस निकाला गया। आपको बताते चले कि भारत सरकार के द्वारा CAA और NRC अभी कुछ दिन पहले लागू किया गया, उसी के समर्थन में लोक जागरण मंच के द्वारा समर्थन रैली का आयोजन बागरमऊ में किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों के अंदर फैली भ्रांतियों को दूर करना है। सरकार के द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है कि इस बिल के द्वारा भारत निवासी किसी नागरिक का कोई नुकसान नहीं होना है। भाजपा नेता ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने मंच के द्वारा समर्थन रैली निकालकर लोगों से सरकार का सहयोग करने के लिए कहा। वहीं भारी संख्या में मौजूद जनप्रतिनिधियों व क्षेत्रवासियों से समर्थन रैली का स्वागत करते हुए उनके इस कार्यक्रम की सराहना भी की। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा श्रीकांत कटियार, RS जिला प्रचारक उपेंद्र विजय निषाद, जिला महामंत्री रामकृष्ण रावत, प्रधान मानवेंद्र तिवारी, मेराज नीलू सिंह, भाजपा नेता त्रिपेन ठाकुर, अर्पित सिंह, राहुल सिंह, अजय सिंह, पूर्व प्रधान महफूज, तौफिक, सैनूर, फुरकान, आजिद कुशवाहा आदि उपस्थित रहे।